नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम ऑल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन AGSU। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि एकेडमिक ईयर 2020-24 में BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो एडमिशन प्रोसेस है अब आफ्टर 12th बोर्ड के एग्जाम के बाद स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं BBA के एडमिशन के लिए इन MSU बड़ौदा, तो मैं आप सभी को बता दूं कि MSU बड़ौदा में जो BBA का जो कोर्स है वो अब से जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 4 साल का कर दिया गया है। और BBA के कोर्स के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है, और एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद में आपका जो एडमिशन है वो BBA के लिए होता है। और मैं आपको बता दूं कि टोटल 200 सीट यानी कि 200 सीट है BBA के लिए। और इसके लिए एप्लीकेशन कितने स्टूडेंट्स करते हैं, तो लास्ट टाइम जो इसके लिए एप्लीकेशन की थी लगभग 1800 से भी ज़्यादा यानी कि 1800 प्लस स्टूडेंट्स ने इसके लिए अप्लाई किया था। और लगभग जो एग्ज़ाम जो दी थी वो 1800 से ऊपर स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस एग्जाम दी थी, और उसमें से सिर्फ 200 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना होता है। एंट्रेंस एग्जाम हो जाने के बाद आप सभी का ग्रुप डिस्कशन होता है और पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसके बेसिस पर अगर आप एलिजिबल हो तो आपको BBA में एडमिशन मिलता है। BBA की हम बात करेंगे तो BBA पार्ट ऑफ कॉमर्स है यानी कि फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का एक डिपार्टमेंट है, और सिर्फ 200 सीट है वहाँ पर। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि फिलहाल जो भी स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं इन MSU बड़ौदा, और उनके पास अगर ऐसे कोई भी जो इंक्वायरी अगर आ रही हो कि BBA का एडमिशन प्रोसेस क्या होता है और BBA के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो वो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और मेरे द्वारा एक ग्रुप भी क्रिएट किया गया है, अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि आपको BBA की एडमिशन की प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन मिले, और आपको BBA नहीं अगर किसी और भी डिपार्टमेंट, किसी और भी फैकल्टी, किसी और भी कोर्स के लिए अगर एडमिशन की डिटेल चाहिए इन MSU बड़ौदा, तो जो ग्रुप है आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ग्रुप की जो लिंक है मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर रख दी है, डिस्क्रिप्शन पर जाके आप लोग क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। साथ साथ में मैं आप सभी को बता दूँ कि खास करके 12th बोर्ड के जो बच्चे हैं GSEB गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड और CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड, तो वो सभी लोग जो है वो अप्लाई करते हैं BBA के एडमिशन के लिए। तो आपको मैं बताऊंगा कि BBA एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो कैसा होता है, अप्लाई किस तरह करते हैं, कब फॉर्म स्टार्ट होंगे। पिछले बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प भी हमारे द्वारा करने में आई थी, उनको सिलेबस प्रोवाइड किया गया था एग्जाम के लिए, सैम्पल पेपर प्रोवाइड किए गए थे, तो ये सब हम आपको भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जो है वो हमारे ग्रुप में जुड़ना होगा ताकि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है और हमारा मैसेज है वो आप तक पहुंच सके। तो सभी स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स 12th बोर्ड में हैं, स्टडी कर रहे हैं और BBA के लिए प्लान कर रहे हैं इन MSU बड़ौदा, तो वो सभी लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उस पर जाके क्लिक करें और जुड़ जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स तक शेयर करें ताकि उनको भी हेल्पफुल हो सके। नमस्कार।